भाई। तो आज हम लोग आए हुए चार मीनार के अंदर का नज़ारा आपको दिखने के लिए। तो अब हम अंदर दाखिल होंगे। ये देख रहे हैं आप चांद मीनार के बहुत छोटे छोटे सीढ़ियाँ। इस पर खुदी कुतुबशाही डायनेस्टी की इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। अगर आप लोग चाहो तो इसको वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस पर चार कमान की इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। इस चारनार मस्जिद में टोटल 260 यानी 260 मुसल्लियान एकदम नमाज अदा कर सकते हैं। ये मस्जिद इतनी खूबसूरत है, इसका आर्किटेक्चर इतना ही खूबसूरत है कि अगर कोई शख्स एक बार इसको देख ले तो इसको बार बार देखने की ख्वाहिश करेगा। लेकिन अफसोस कि आज हम मुसलमानों को इस मस्जिद में नमाज अदा करने की तो दूर की बात, उनको इसका दीदार तक करने नहीं दिया जाता। तो बताइए दोस्तों, अगर इस चारमीनार मस्जिद की जगह कोई और मज़हब की इबादत गाह होती तो क्या उसका इसी तरह हाल होता, जो कि बरसों से मुसलमानों को इस मस्जिद में नमाज अदा करने की भी इजाज़त नहीं है। और तो और कुछ शरपसंद तो इस पूरे चारमीनार की ही तारीख तब्दील करने की नापाक साजिशें कर रहे हैं। यानी उन शरपसंदों का कहना है कि यह पूरा चारमीनार 50% हिंदू आर्किटेक्चर का मिक्सचर है। Thank you.
उनको चाहिए कि हमारे मोहल्ले के इर्द गिर्द में कोई इस चार मीनार मस्जिद की जैसी कोई और मस्जिद तो गैर आबाद नहीं है। अगर हो तो हमें फ़ौरन से फ़ौरन इस मस्जिद को आबाद करने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए।